हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो ट्वेल्थ में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ट्वेल्थ इंग्लिश का पेपर इस बार कैसा आएगा, यानी कि 2023 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। सेम इसी तरह 2023 में आपके इंग्लिश का पेपर आएगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि पेपर जो है आपका चेंज हुआ था 2022 में। ठीक है, ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि 2023 में आपका पेपर कैसा आएगा। आप कितनी भी अच्छी तैयारी किए रहेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा इंग्लिश का पेपर आएगा कैसे। जो 100 नंबर का पेपर होगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेपर को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक अगर चाहते हैं आप इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर कराऊं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहां पर आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। आपको इसके लिए 100 मार्क का पूरा पेपर होगा। ठीक है, आगे देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ निर्देश दिए जाएंगे आपको कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करना है, अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के सामने आपको नंबर दिया गया है कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए है, ठीक है, ये पेपर आपका सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपको क्या दिया जाएगा, सेक्शन ए जो आपका होगा इसको नाम दिया गया है रीडिंग सेक्शन। ठीक है, रीडिंग सेक्शन में आपको क्या होगा कि रीडिंग करना होगा। जैसे देखिए, यहां पर एक पैसेज दिया गया है क्वेश्चन वन में, देखिए पूरा पैसेज है ये। ठीक है, क्या लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पूरा पैसेज दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब नीचे इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपके हैं जो कि इसी से पैसेज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन के लिए कितना नंबर, 15 नंबर। ठीक है, आप गिनती कर सकते हैं गुड़ा। तो ये आपको क्या करना है, पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ना है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5ों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आप 5ों क्वेश्चन का सही सही आंसर देंगे, आपका 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा। इसमें देखिए, जो 5वां क्वेश्चन आपका ई वाला होगा, ये आपका पूछा जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन, तो ये आपका इस प्रकार से होगा। रीडिंग सेक्शन जो होगा वो 15 नंबर का आएगा, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी हमारा है राइटिंग। राइटिंग का मतलब जानते हैं, लिखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, ये हमारा 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें, 2 सेक्शन में, यानी कि सेक्शन बी है इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है लगभग 100 से 150 शब्दों में। ठीक है, अगर आपको इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड फॉर ऑफ द आवर, और सी है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, तीनों में से जिस पर आप लिख सकते हैं आर्टिकल उस पर आपको लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं पहले। आप बोलेंगे यूट्यूब पर आर्टिकल राइटिंग शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, लेकिन रीडिंग सेक्शन यहीं पर समाप्त नहीं होगा, अभी आगे भी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी रीडिंग सेक्शन का ही है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ठीक है, यानी कि आपको लेटर लिखना है। अब इस पर आप लेटर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस पर नहीं लिख पाएंगे तो और लगाए अथवा, तो इस लेटर को आप लिख दीजिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप आर्टिकल, आप लेटर लिखिए, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आपका जो आपका सेक्शन नंबर बी है, ठीक है, राइटिंग, वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर, टोटल 20 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे अब सेक्शन सी हमारा ग्रामर आएगा। ठीक है, ग्रामर जो आपका इंग्लिश ग्रामर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्या रहेगा, देखिए 10 नंबर में सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन रहेगा, द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री कॉल्ड, ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी कि किसी
देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मोनार्ची अगर कहते हैं तो इसको आप मारिए, मतलब जो सही होगा उसको आपको करना है। इसके लिए दो नंबर, यानी कि एक के लिए आपको दो नंबर मिलेगा, ए के लिए, ठीक है। ऐसे बी है, इसके लिए भी दो नंबर। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, ठीक है, तो इसके लिए भी दो नंबर आपको मिलेगा। तो ऐसे ही आपको ए बी सी डी ई करके दिए रहेंगे। सी आपका द सिनोनिम्स ऑफ मेयर्स इज क्या होगा, मतलब सिनोनिम्स क्या होगा इसका। अब देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है, तो यहां पर गलती क्या है, देखिए हिज के स्थान पर आपको वंस कर देना है, यानी कि हिज में गलती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें गलतियां हैं वो आपको सही करनी। ई वाला देखिए द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम क्या होता है, फर्टाइल। बैरन का मतलब बंजर, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई करके पांच क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए दो नंबर, पांच क्वेश्चन के लिए दस नंबर, ठीक है। तो ऐसे आपका रहेगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, दो नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। देखिए जैसे फर्स्ट है आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, इंपरेटिव सेंटेंस, आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो आई सैड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है दूसरा, माई टीचर सैड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो ये दोनों में से किसी एक को आपको करना है, दो नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा देखिए हमारा अब आता है सिंथेसिस, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो इसमें आपको कंबाइन करना है सिंथेसिस, आपको दो नंबर, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। ऐसे देखिए सी वाला ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एनी वन टू ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। आई कैन डू इट, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर अ डिजीज, इसको आपको कंपरेटिव डिग्री में बदलना है, तो जो ब्रेकेट में है उसी के अनुसार आपको बदलना है, ठीक है, इसके लिए भी दो नंबर। तो ऐसे ऐसे आपके ग्रामरली रहेंगे। ऐसे देखिए अब आते हैं डी वाले पर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इन सेंटेंस में से दोनों सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं, किसी एक को आप सही कीजिए, यह आपका सिंटैक्स है, वाक्य संशोधन, ठीक है, इसके लिए आपको दो नंबर मिलेगा। ऐसे एक और है होमोफोन्स, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन योर इन दियर मीनिंग क्लियर, ठीक है। दोनों में से जैसे रिफ्यूज रिफ्यूजी, ठीक है, सेल सेल, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको इनका अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। देखिए देखिए आपका सेल है, सेल का मतलब बेचना, इस सेल का मतलब कोशिका, ठीक है। तो सेल का मतलब बेचना, इस पर कोई सेंटेंस लिख दीजिए, और सेल का मतलब कोशिका, इस पर कोई सेंटेंस लिख दीजिए, यानी कि आपको सेंटेंस में यूज करना, इसके लिए भी आपको दो नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ये आपका पूरा पैसेज दिया गया है, इसको आपको हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, पांच नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन डी पर, जो हमारा लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर का मतलब जो आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रीडर है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको लगभग 40 वर्ड में देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन का ए है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो और लगा है थवा। ये आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, आठ नंबर का आपका ये, आठ नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। देखिए ए वाला है, इसमें दो क्वेश्चन है, एक दो, दो में से एक करना है, देखिए और लगा है, ठीक है, आपको चार नंबर मिलेगा। ऐसे बी है सातवें क्वेश्चन में, इसमें भी दो है, दो में से कोई एक करना है, यानी कि आपको चार क्वेश्चन रहेंगे लेकिन दो करना है। लेकिन याद रहे ए वाले में से दोनों में से किसी एक को करना है, बी वाले में से दोनों में से किसी एक को करना है, ऐसा नहीं है कि आप केवल ए वाला दोनों कर दें, बी वाला नहीं, ठीक है, इन दोनों में से ए में से किसी एक को और बी में से किसी एक को आपको करना ही करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर एट देखिए आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, ये जो आपका क्वेश्चन था अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका इंग्लिश प्रोज से था, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन जो आपका था, ये इंग्लिश प्रोज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ऐसे अब इंग्लिश प्रोज का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर एट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, इसका आपको 80 शब्दों में आंसर देना है, सात नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे देखिए ए और बी करके दो क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक को आप लिखिए 80 शब्दों में, इसका आंसर लिखिए आसानी से और आप आठ सात नंबर ले जाइए, ठीक है। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का है, डीप वाटर का है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर में बताता रहूंगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसमें क्या है, इसमें आपको दे दिया गया है पोएट्री से एक स्टैंजा, ठीक है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिए गए, उसका आपको आंसर देना है, इसके लिए आपको छह नंबर मिलेगा। जैसे देखिए नीचे क्या है, ये आपका स्टैंजा हो गया इतना, ठीक है। अब इसके नीचे आपका क्वेश्चन है ए बी सी करके, तीन क्वेश्चन बी सी एंड ऊपर देखिए ये वाला, ठीक है ए, ठीक है, तीन क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको दो नंबर, टोटल आपको इसके लिए छह नंबर मिलेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए ऊपर लिखा हुआ है।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। चार नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे, तीनों पोएम में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। कीपिंग व्हाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है, तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। अब आते हैं अपने सप्लीमेंट्री रीडर पर, ठीक है। इसमें इसके लिए भी आपको सेम प्रोज की तरह रहेगा, पहले आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, वही सेम प्रोसेस। तो इसमें भी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो ए क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी दो ऑप्शन है, ए वाला क्वेश्चन या तो आप ऊपर वाला कर दीजिए, व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, ठीक है, तो और लगा है डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को कीजिए। ऐसे बी वाला देखिए, दोनों में से किसी एक को करना है, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर, दोनों के लिए 8 नंबर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 7 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, दो क्वेश्चन दिए गए, किसी एक का आंसर आपको 80 शब्दों में लिखना है, 7 नंबर ले जाइए, ठीक है। तो यहां पर आपका 12th इंग्लिश का पूरा पेपर समाप्त होता है, 100 नंबर का जो आपका पेपर था वो यहां पर समाप्त होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ठीक है, चार सेक्शन आपके होंगे, ए में आपका रीडिंग, बी में राइटिंग, सी में ग्रामर और डी में लिटरेचर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पूरा पेपर आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसे ही सेम आपका पेपर आने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का, हिंदी इंग्लिश सभी का बनाऊं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।